मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट करण जौहर ने लिया यू टर्न अब ले रहे हैं टैलेंट का ठेका करण जौहर का न्यू टैलेंट स्कैम अरे हमने कह दिया है कह दिया ना बस कह दिया डिड करण जौहर फुलफिल हिज कमिटमेंट सुशांत एंड कंगना इंपैक्ट क्या करण ने लिया यू टर्न सो इज दिस करण जौहरस बिगेस्ट डैमेज रिपेयर ऑफ द सेंचुरी Let's find out. भाई 2018 में करण जौहर बहुत क्लियर थे कि उन्होंने इंडस्ट्री में नया टैलेंट लॉन्च करने का ठेका नहीं लिया है मैंने कोई आई नॉट टेकन वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट लेकिन अब 2021 में उन्होंने ठेका ले लिया है बहुत प्राउड होके वो ठेका ले रहे हैं और नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन भारी मात्रा में पब्लिक को ये एक फेक न्यू टैलेंट पीआर एक्सरसाइज लग रही है एक इमेज मेक ओवर एक्सरसाइज लग रही है इनफैक्ट काफी लोगों को तो बहुत बड़ा जोक भी लग रहा है जस्ट यूजिंग द नेम ऑफ न्यू टैलेंट टू गेट बैक दब्लिस न्यू पॉन्स फॉर हिज इमेज क्लेंजिंग एक्सरसाइज राइट गाइज डोंट फॉल फॉर दिस न्यू टैलेंट ड्रामा बॉयकॉट तो बड़े स्टाइल से करण जौहर ने अपने नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए वीडियोस डाले जिसमें टैलेंट के नाम पर सिक्स पैक एप कहा फनीट ट्रेलर ऑफ न्यू टैलेंट इज ऑल स्किन ऑल यूर एक्टर्स प्लास्टिक एंड ऑल सिमिलर शो व एक्टिंग स्किल्स ग्रो सिनेमा इज नॉट ओनली अबाउट गुड लुक्स टायर्ड ऑफ लुकिंग एट ओनली ग्लैमर इन आर सिनेमा करण को सोशल मीडिया पर इतनेटिव कॉमेंट्स मिले की उनको फाइनली अपने कॉमेंट ऑफ करने पड़े पब्लिक को ये न्यू टैलेंट स्कैम इसलिए भी लग रहा था क्योंकि कुछ साल पहले करण जौहर ने एक शो किया था जहां वो आउटसाइडर्स को चांस देने वाले थे सुपरस्टार्स बनने के लिए तो ये हम प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो जिनके पास सही कहा कि ना खानदान है ना सिफारिश है लेकिन जोश है जुनून है हुनर है और वो चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और हम वो प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं यहाँ तक कि करण जौहर ने कमिटमेंट दिया था कि वो विनर्स को अपनी फिल्म लॉन्च करेंगे हमने कह दिया कि प्रोमिनेंट रोल में चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म हो या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो हम जरूर ये कमिटमेंट ऑनर करेंगे शो के विनर्स थे अमन गंडोत्रा एंड नताशा भरद्वाज

And of course, keep watching.